मैं कार्ड ले चुका, जिस कार्ड की बात कर रहा था वो कार्ड ले चुकी। चलो अब ये ले लेते हैं, फिर भाई चढ़ाई स्टार्ट करेगा। गेट तक तो आ चुके हैं, यहाँ पे इसके अंदर से जाना है। इसलिए हम पुराना सुना है कि ढोल वोल रखा तो माहौल रहता है, वाइब रहती है। मैं तो सोच रहा हूँ 1.5-2 घंटे में निकाल लें, बट सब कह रहे कि 1-1.5 घंटे में नहीं होता। भाई 20 मिनट हो गए मेरे को चलते हुए, अब दूसरा कट आ चुका है वो कोई आइडिया नहीं है अभी मैं कितना दूर हूँ, कितना पोता रहा मैंने, क्योंकि अब तक मैंने किसी से पूछा नहीं। एकदम 12-12, 24-24 घंटे की वेटिंग होती है, बहुत वेटिंग है वहाँ। तो आखिरी 1 किलोमीटर होता ना वो सबसे बड़ा किलोमीटर होता है भाई, मतलब उसमें बहुत नीचे ऊपर ऊपर। हेलो व्हाट्सएप, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। खूब शुरू होगी बढ़िया, तो मैं तो बड़ी विद दिस आज को ब्लॉग करते हैं स्टार्ट। एंड भाई हम आ चुके भाई एंट्रेंस पे, अब यहाँ से भाई अपनी यात्रा स्टार्ट करते हैं। जय माता दी, हम अपनी जर्नी स्टार्ट कर चुके हैं। और भाई जय माता दी, जय माता दी, थकान तो नहीं हो रही भाई? तो ढोल भी बज रहा है, इसलिए हम पुराना सुना है कि ढोल वोल रख चुका है तो माहौल रहता है, वाइब रहती है। भाई यार घोड़े वोड़े तो फुल चल रहे इधर, तो भाई जिस बंदे को ऐसे पैदल चलना कंफर्टेबल ना हो तो भाई घोड़े वोड़े प्रेफर कर सकता है। बाकी तुम्हारा भाई तो जवान लौंडा, हम तो भाई इससे ही जाएंगे, कोई गलत शलत ना आ रहा ना मैं भाई। वैसे पूरी रौनक सजी हुई है इधर, पूरी भीड़ भड़ाका है, दुकानें वकानें बहुत सारी है इधर, खाने पीने की बहुत दुकानें। पर अभी हम खाना सोच रहे हैं अर्धकुंवारी तक पहले खींच लें फटाफट। मैं तो सोच रहा हूँ 1.5-2 घंटे में निकाल लें, बट सब कह रहे कि 1-1.5 घंटे में नहीं होता, तो देखते हैं कितने टाइम में लगता, जितना खींच पाएगा खींच पाएगा। मैं इतना सोच रहा हूँ, पर लोग कह रहे कि नहीं 3-4 घंटे लग जाते हैं अर्धकुंवारी तक पहुँचने में। देखे कि यार हम तो फर्स्ट टाइम आ रहे हैं, हमें पता नहीं, हमारा जोश भी ज़्यादा है ना इसलिए हमें पता नहीं है। भाई देख लो बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है अब तक तो, भाई पैदल यात्रा जोड़ों रास्ता घोड़ों का, मैं वही कह रहा हूँ जोड़ों का कौन सा रास्ता है भाई। तो भाई इधर तो खड़ी चढ़ाई है अब तक फ्लैट रास्ता तो बिल्कुल नहीं आया, क्योंकि मैंने जितना सुना कि अर्धकुंवारी तक खड़ी ही रहती है और वही मुश्किल है, बाकी आसान है। तो वो मैं चाहता हूँ जल्दी से जल्दी ख़त्म करें मुश्किल, फिर आसान में निकालेगा और तेज। गाइस पहला टर्न आ चुका है, थोड़ा थोड़ा लग रहा है कि थक रहा हूँ बट नहीं थक रहा। अब मेरे को लग रहा थोड़ा फ्लैट रास्ता आएगा, बाकी देखते जान से तो बहुत पीछे रह गया, दिख नहीं रहा यहाँ से तो चढ़े भाई। इस टाइप के मतलब कम से कम बहुत सारे ऐसे मंदिर बने हुए हैं रास्ते में, हर 4-5 मिनट में आ रहे मंदिर। जय माता दी। भाई 20 मिनट हो गए मेरे को चलते हुए, अब दूसरा कट आ चुका है वो कोई आइडिया नहीं है अभी मैं कितना दूर हूँ, कितना पोता रहा मैंने, क्योंकि अब तक मैंने किसी से पूछा नहीं। पूछो कोई बंदा कह दे कि आपने भी कुछ भी नहीं चला, फिर डिमोटिवेट हो जाऊंगा मैं। बात तो सही है इसलिए अभी तो भाई चले जा रहा हूँ, जब मेरे को लगेगा मैं कुछ चल चुका हूँ तब मैं खुद पूछ लूँगा। चलो यार भाई तुमको मैंने कहा था ना अगर किसी से पूछो डिमोटिवेट हो जाऊंगा भाई, 15 किलोमीटर टोटल होते हैं भाई। मैं किसी से पूछा उसने कहा भाई 1.5 किलोमीटर हुआ है 20 मिनट में। अब इस हिसाब से देखे जाए तो कितनी देर लगेगा, अभी दूसरों कैलकुलेट करके बताता हूँ। भाई इस हिसाब से मैं चल रहा हूँ 3.5 घंटे में होगा टोटल, वो भी ठीक है सही चल रहा है फिर तो। भाई यार एक बार व्यू देख लो। फिर मैंने एक और बंदे से बोला, उसने 2 किलोमीटर तो बोल दिया, मतलब यार थोड़ा बहुत तो चढ़ चुका हूँ मैं। 1/4 अबे कुछ भी नहीं गया यार, अभी 1/7 हो गया बस। चलो यार फिर से चलो, दीवानशु दिख गया मेरे को ऐसे। चलो सो गाइस ये दीवानशु मेरे को मिल चुका है, अब तो पीछे चलेगा वो फिर से। और तुमको वो बताया नहीं कि मम्मा गई है हेलीकॉप्टर से, हम आ रहे पैदल। मम्मा वापसी कह रही कि वापसी शायद पैदल आए, आएगी वापसी, क्योंकि वापसी का रास्ता सामने जैसे खड़ी चढ़ाई है,
यही सीधा फ्लैट हो जाता है, वो नीचे डाउनफॉल हो जाता है, तो आसान है। चलो यार चलते हैं। दीवानशु मिला था, उसकी क्लिप बनाई थी बट वो एक्स्ट्रा बन गई थी तो डिलीट होगी, बता कुछ गड़बड़ होगी सोचो बच्चों। सारे बोलो जय माता, आगे वाले जय माता, पीछे वाले जय माता। अब भाई जैकेट भी उतार दी, गर्मी लग रही होगी बहुत। ओ भाई अब इधर भी लिखा आ गया, नेक्स्ट काउंटर अर्थक्वारी आफ्टर 3 किलोमीटर। मतलब मैं 4.5 किलोमीटर तो चल चुका हूँ क्योंकि 7.5 किलोमीटर बाद आता है अर्थक्वारी, और 3 किलोमीटर वो कह रहा है दूर है। 4.5 चलिए, अब ठीक है 1 घंटे में अर्थक्वारी निकालेंगे, लेट्स गो। अभी भाई मेरे पास 15 मिनट पर हो नहीं सकता, 1.5 घंटे में तो पहुँच ही जाएंगे, लेट्स गो। जस्ट नोटिस करा धूप पड़ रही है तो ऐसे ब्लॉग ना होना, ये तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। लाइटिंग थोड़ी बर्दाश्त कर लो तुम, बैड लाइटिंग की, क्योंकि भाई सीधा सन मुंह पे आ रहा है मेरे, वो बर्दाश्त कर लो भाई। अब मेरे को पैर का पॉजिटिव किसी ने वो बताया, बस यार 500-600 मीटर में अर्थक्वारी आ जाएगा, मतलब मिडवे हो जाएगा। और मेरे को चलते हुए अभी 1 घंटा 10 मिनट, 1.5 घंटे में अर्थक्वारी पहुँचा दूँगा, बहुत हद तक तो चांसेस यही है। बाकी अभी थकअप तो नहीं रहा, थोड़ा बहुत थक रहा है, अर्थक्वारी ब्रेक लेंगे 1/2 घंटे का, फिर आगे चलेंगे फिर से, क्योंकि उसका आगे का रास्ता मैंने सुना इजी है अर्थक्वारी के बाद का, तो चलो यार। जैसे कि वादा करा था 1.5 घंटे में पहुँचा दूँगा, 1.5 घंटे 10 मिनट बजने में भी 5 मिनट है, तो भाई पहुँच गए। और अब यहाँ से यार 5.5 किलोमीटर और है, मैं ज़्यादा सोच रहा था कम आगे का, ठीक है। और अगर भाई अर्थक्वारी के जाना है तो 6.5 किलोमीटर है, यहाँ से 1 किलोमीटर ऐसे घूम के ऊपर जाना होता है, बट भाई वहाँ पे कुछ अलग हिसाब होता है। 1 सेकंड तुमसे करता हुआ। अब भाई मेरे को इतना सुनने में आया अर्थक्वारी वाले मंदिर जाने के लिए कम से कम 12-12, 24 घंटे की वेटिंग होती है, बहुत वेटिंग है वहाँ पर, तो वहाँ पर यार मेरे को जाने का मतलब समझ नहीं आ रहा। और मम्मा से बात करी, अम्मा तो पहुँच चुकी है, लॉकर पर है, और दीवानशु अभी बहुत पीछे लग रहा है मेरे को, क्योंकि वो खुद कह रहा है कि उसको पता नहीं वो कहाँ पे है, कह रहा है उसने किसी पूछा, वो कह रहा है 15-20 मिनट अभी और है, 15-20 मिनट वो कह रहा है तो पता नहीं कितना ही होगा। बाकी देखो तुम्हारा भाई तो 1.5 घंटे में आ गया था, अब भाई 10 मिनट से तो रुका हुआ, अब वो आएगा उसके लिए भी रुकना पड़ेगा यार, ऐसी टाइम लग जाएगा, उनको लग रहा है 5 मिनट रह गया आगे, 1 घंटे वो जा दूंगा या फिर पहुँच जाऊँगा, 5 घंटे पहुँच जाऊँगा 1 घंटे में आगे, मैं 1 से 1.5 घंटा और लगेगा, क्योंकि 1.5 घंटा मेरे को अभी लगे, 1.5 घंटे में और पहुँच जाऊँगा मैं। बाकी सोच रहा हूँ क्या करूँ, अभी वेट कर लेते हैं थोड़ी देर, अगर 10 मिनट में आ गया तो ठीक है रुक जाएंगे, वरना चलते रहेंगे और क्या करेंगे। भाई दीवानशु कह रहा है उसके लिए रुके रहो पूरी देर, क्या रुकते हैं तो भाई फिर आगे और खींचे के लंबा तेज चलाएंगे, क्योंकि अगर ब्रश ज़्यादा ले लूँगा तो फिर भाई जान पूरी आ जाएगी, फिर यार वो आएगा, चलो कोई नहीं रुक जाते हैं, अकेले थोड़ी आए रुक जाते हैं। गाइस मेरे को दीवानशु दिख चुका है, ये देख रहा, ये दिख रहा है बंदा रेड वाला, ये दीवानशु है, ये दिख चुका है मेरे को, तो अभी आने वाला है, ये 5 मिनट में आ जाएगा यहाँ तक ऊपर तक लिख चुका है, देखो अभी हम इधर है और वो रहा वो, तो आ जाएगा ये भाई। यार अर्थक्वारी से आजकल यार ये कार चालू हुई है, मेरे हिसाब से इसमें लोगों को लेके जाते हैं लोग, तो भाई जिसको अगर इसकी ऑनलाइन बुकिंग होती है जिसने करानी हो तो इसमें से इससे भी जा सकते हैं, बाकी हम तो भाई पैदल ही चलेंगे। भाई दीवानशु भाई बहुत थक चुका है, मैं तो बिल्कुल अभी मेरे को ऐसा लग रहा है, तो उसके कारण 1/2 घंटे का ब्रेक मैंने भी ले लिया, भाई कोई नहीं चलता 1/2 घंटा का ब्रेक तो। अब बाकी यार 5.5 किलोमीटर है यहाँ से, तो यार मेरे हिसाब से यार 1.5 घंटा तो लगेगा कम से कम, तो मतलब यार ओवरऑल पहुँच जाएगा 3.5 घंटे में, क्या कर भाई भवन के रह गए 5 किलोमीटर, अब भाई थोड़ा सा रह गया रास्ता, 5 किलोमीटर भवन के रह गए, मतलब मैं 11 किलोमीटर चल चुका हूँ, 5 और चलना है। अब ये वाला रास्ता तो ईजी है, प्लेन है देख रहे हो तुम भी, वो वाली थी खड़ी चढ़ाई अर्थक्वारी तक। और दीवानशु भाई मेरे को पता लग गया क्यों थका है, मैं तो देखो थका नहीं हूँ, थका हूँ बट वो बहुत ज़्यादा थका, क्योंकि वो हीरो आया है 2 सीढ़ियाँ चढ़ के,
और मेरे को कल बोल रहा था सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होती और कुछ सीढ़ियाँ चढ़ के आया। वो तो भाई टाइम लगेगा, वो लगा देगा अभी, जितना टाइम मेरे को लगेगा उससे उसको डबल लगेगा क्योंकि बहुत स्लो चल चल के आएगा। बाकी चलो हम तो पहुँचे जयकारा शेरा। तो गाइज यार ये देख लो फर्स्ट लुक भवन की। अब यहाँ से यार 1.25 किलोमीटर है मैक्स, पहुँच जाऊँगा मैं कम से कम 20 मिनट में तो पहुँच जाऊँगा आराम से। फिर यार भवन पहुँचने वाले, अब तो आ ही गया यार ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट। चलो लॉकर आगे वाले। तो गाइज मैं फाइनली अब पहुँच चुका हूँ वैष्णो देवी के ऊपर भवन पे। और भाई जो आखिरी 1 किलोमीटर होता है ना वो सबसे बड़ा किलोमीटर होता है भाई, मतलब उसमें बहुत नीचे ऊपर ऊपर बहुत देर से वो लोग कहते हैं 1 किलोमीटर आ गया 1 किलोमीटर आ गया, वो एक्चुअली होता नहीं 1 किलोमीटर, बस संतुष्टि देने के लिए होता है। बट वो बहुत बड़ा किलोमीटर, लास्ट 1 किलोमीटर और पहला 1 किलोमीटर दोनों बहुत बड़े होते हैं। बाकी सब तो चलते रहता है यार। देखो मेरे को अप्रॉक्सीमेट टाइम इतना ज़्यादा तो नहीं लगा चलने में, चढ़ाई में तो टाइम नहीं लगा, बाकी मेन टाइम मेरा इधर अभी जैसे लॉकर में है इधर टाइम लगा है मेरा, मतलब ढाई चल तो रहा है यार। ढाई घंटे मेरे को उसमें लगे हैं, 2.5 घंटे में ऊपर आयो ठीक है, ज़्यादा टायर नहीं लगा, 2.5 से 3 घंटे मैक्स। दीवानशु को ज़्यादा लगा, उसको 3.5-4 घंटा लगा है। चलो अब चलते हैं भवन की और, पर्ची कटवा चुका लॉकर की, दीवानशु भी अब आने वाला है फिर चलते हैं। और भाई हमारी भैरव मंदिर की या रोप वे की टिकट भी हुई हुई है उसके उधर चलो। तो गाइस यार इधर आ चुके भवन की और, अब लॉकर पे खड़े अभी वो लोग, पहले पर्ची ले रहा हूँ, जब तक दीवानशु भी आ जाएगा तो फिर साथ में जमा करा देंगे बैग ठीक है। तब तक हो गया तो टाइम भी बच जाएगा। One eternity later. So भाई वैष्णो देवी से दर्शन करके आ चुके हैं और साथ ही यार तो थोड़ा आगे आके आता है शोर होता है थोड़ा आगे। तो भाई अब वैष्णो देवी के दर्शन तो करके आ चुके हैं, अब हम जा रहे हैं नीचे की ओर। और भाई भैरव मंदिर भी गए थे साथ साथ, नंगे भैरव भी, हाँ नंगे भैर गए थे भाई क्योंकि भाई हमारे लॉकर रूम में सामान था तो हमने सोचा कौन जाएगा सीधा फटाफट एक वन शॉट में करे। ये भाई इसने इतना परेशान करे चले जाता नहीं इससे भाई, अब उम्र हो गई, बूढ़ा बूढ़ा हो रहा है, बूढ़ा हो गया। मेरे को कह रहा था मैं तेज चलता हूँ, मैं 2 घंटे 20 मिनट पहुँचा हूँ, इसने मेरे को 1 घंटा लेट कराया वरना मैं 2.5 घंटे में हो जाता सीधा वर्ल्ड रिकॉर्ड। भाई वापसी में मज़ा आ रहा है ना, बिल्कुल खेचा बहुत तेज से चल रहा है, मज़ा आ रहा है मेरे को, लग रहा है 1 घंटे में पूरा हो जाएगा नीचे तक, बाकी देखते चलो। सो गाइस यार अभी तो इधर आरती चल रही है, 6 बजे स्टार्ट हो जाती है, अब बज चुके 6:45 और चल रही है 2 घंटे की होती है इतना मेरे को पता है। एंड भाई मैं 1 घंटे में पहुँच गया था वहाँ पे अर्थकारी, अब मेरे को यहाँ से देखते हैं कितनी देर लगेगी। 10 मिनट हो चुके हैं नीचे जाते हुए, अब देखते हैं कितनी देर लगेगी। यार उत्तरायण में तो काफ़ी सही है सीढ़ियाँ क्योंकि इसमें थकान भी हो रही और छोटा भी रास्ता, तो आई विल प्रेफर लोगों को कि उत्तरायण में वो ले लिया करे सीढ़ियाँ। बाकी मर्जी है बंदे की, मैं फोर्स नहीं करूँगा। अब मेरी शक्ल कम दिख रही होगी बट आवाज़ पूरी आ रही होगी, तुम दिल से देखो ना मेरे को, कैमरा से क्या करोगे देख के, समझ रहे हो भाई। जय माता दी। तो गाइस यार मेरे को मम्मा भी मिल चुकी है, पहली बार दिख रही होगी आज के व्लॉग में। जय माता दी। साचे दरबार की जय। सभी भजनों में और मम्मा गई थी प्लेन उसमें हेलीकॉप्टर में, फिर भी मम्मा से पहले आ गए नीचे देख रहे हो, सही बात है। चलो यार अब बस नीचे पहुंचने वाले हैं बहुत आराम से। तो गाइस यार अब मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ, मैं आ चुका हूँ कटरा मार्केट में खाना खाने क्योंकि अब भाई तुम्हारा भाई थक चुका है बहुत ज़्यादा, टाइम बहुत ज़्यादा लग गया क्योंकि यार एक दूसरे का वेट करने में बहुत टाइम लगे। बाकी मैं तो भाई बहुत फास्ट आया हूँ हुसैन बोल्ट की तरह, सही कह रहा हूँ। मम्मा ने बहुत टाइम वेस्ट कराया, चुप हो जा, मम्मा पैदल आ गई शुक्र मना। और इसने तो भाई बहुत टाइम वेस्ट कराया, हेलीकॉप्टर कैंसिल करा दिया मम्मा पैदल, वही देख रहे हो भक्ति हो तो ऐसी। भाई अब हमने यार मनोरंजन ढाबा करके ढाबे पे आए, मनोरंजन ढाबा, इस पे भाई हमने राजमा चावल लिया और इसका पालक पनीर लिया है। राजमा चावल सुनने में इसका काफ़ी फेमस है तो अगर खा के बताऊंगा
कि कैसे है। A few moments later. भाई यार उसकी बढ़िया थी राजमसाल, तुम आओ तुम भी खास ना ट्राई कर सकते हो। ठीक है अभी यार मैं होटल में आ चुका हूँ तो अब चलते हैं सोने। होप सो तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा, ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, चाय भी नहीं तो सब्सक्राइब करो। अभी शायद कल मैं पटनी टॉप जाऊँगा तो ब्लॉग बने रहना, चैनल पे बने रहना और चाय भी नहीं तो सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को ऑन करो मेरे ब्लॉग को सबसे जल्दी देखने के लिए। तो विद दिस आज का ब्लॉग करते हैं, होप सो तुम्हें ब्लॉग अच्छा लगा, लाइक करो कमेंट करो शेयर, सारे बोलो जय माता दी। I'm not afraid of the dark.